अनबिलीवेबल भाई अनबिलीवेबल, इस तरह से इंडिया ये टेस्ट जीतेगा सोचा नहीं था। बहुत ही बड़ी विक्ट्री ली है इन यंगस्टर ने, इंडिया की जो टीम है, आज जरूरत थी इस यंगस्टर को। यहां पर देखा जा रहा था कि भाई शुभमन गिल फेल हो चुके हैं, ठीक है, बाकी सारे प्लेयर वहां पर आपके सरफराज खान भी फेल हो गए, लेकिन आपकी टीम को भाई आज शुभमन गिल ने रेस्क्यू किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये बड़े मैच का खिलाड़ी है और इसी वजह से आज आप आसानी से ये सीरीज जीत चुके हैं। जी हाँ, बात करते हैं अभी सभी जो हमारे व्यूवर लाइव है या जिस तरह जुड़े हुए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को लाजमी लाइक कर दे। तो दोस्तों बात करते हैं कि आज इंडिया और जो इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट था, उसका आज चौथा दिन था। कल जहां पर इंग्लैंड इंडिया ने छोड़ा था 40 पर, एक खिलाड़ी भी आउट नहीं था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई इंडिया की थोड़ी थोड़ी विकेटें गिरना शुरू हो गई और 100 पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। फिर लंच हुआ, लंच के फौरन बाद ही वहां पर इंग्लैंड ने 2 विकेटें और चटका ली थी। वहां पर 73 रन रहते थे और ये लग रहा था कि भाई आज जो है वो इंग्लैंड आसानी से ये मैच अभी जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शोएब बशीर भाई बॉलिंग कर रहे थे ना, कमाल की बॉलिंग थी, और जिस तरह से उन्होंने ये बॉलिंग किया ना, मैं कहता हूं अनबिलीवेबल बॉलिंग है। तो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया, एक तरह से उन्होंने पूरी कोशिश किया कि अपनी टीम के लिए ये मैच जीता जाए, लेकिन वहां पर जो थे वो शुभमन गिल और ध्रुव जुरल, यार ध्रुव जुरल की जितनी भी तारीफ करें कम होगा, क्योंकि ध्रुव जुरल ने जिस तरह पिछली इनिंग, एक तरह से कह लें कि ये ध्रुव जुरल ने इंडिया के लिए ये मैच जीता है, क्योंकि आप अगर देखें ना यहां पर तो पिछले मैच में जो 90 उसने मारे हैं ना, वो भाई इंडिया का जो डेफिशिएंट था वो कम किया था। वहां पर अगर ध्रुव जुरल आउट हो जाते जल्दी और वो स्कोर ना कर पाते, तो वहां पर वो कम अज कम जो इंग्लैंड की रीड थी 150 के रहने वाले थी और फिर 300 टारगेट बहुत ही इंडिया के लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहां पर भाई विक्ट्री ली है और जिस तरह से यहां पर जो है वो यहां से इंडिया को मैच जिताया ना, मैं कहता हूं अनबिलीवेबल विन है। और जिस तरह से ये मैच में ध्रुव जुरल को भाई मैन ऑफ द मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर शुभमन गिल ने जिस तरह से बैटिंग की वो तो अपने आप कमाल थे, लेकिन भाई जिस तरह से साथ ध्रुव जुरल ने भाई बैटिंग की है ना, वो उन्होंने महसूस भी नहीं किया कि भाई ये उनका डेब्यू मैच है। यहां से प्लेयर भाई बनते हैं इस तरह के मैचेस की सिचुएशन से, कि उसने देखा कि भाई यहां पर मेरी जरूरत थी टीम को, वहां पर आपके मेन खिलाड़ी आपके सीनियर बैट्समैन आउट हो चुके थे, लेकिन वहां पर आपके जो शुभमन गिल के बारे में भी बहुत सी भाई, जब उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मारी तो सभी कह रहे थे कि ये एक मैच वाला प्लेयर है, लेकिन उसने भाई साबित किया है, उसने बता दिया है कि भाई मैं यहां पर कुछ भी कर सकता हूं, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं और मैं यहीं से मैच जितवा सकता हूं। तो बहुत ही इंडिया के लिए शानदार विन थी, इंडिया ने 3-1 से जो है वो सीरीज अब अपने नाम कर लिया। आखिरी मैच कोई जीते ना जीते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आखिरी मैच भी इंडियन टीम आसानी से जीत जाएगी। तो अगली वीडियो तक हमें नहीं जा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।